नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, जो इस वक्त सर्वदलीय बैठक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बजट सत्र शुरू होना है, उससे पहले ये महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर होनी है, जो बुलाई गई थी। बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है, वहां पर नेता जो है इस बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। कल से बजट सत्र भी शुरू होना है और उस बजट सत्र से पहले ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि इसमें सभी दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस बैठक में पहुंचेंगे और इस पर बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा कि आने वाले समय में जो बजट सत्र यहां पर होना है, उस बजट सत्र के दौरान में क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, संसद में क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे और किन मुद्दों पर आगे की तरफ जो है वो लोगों के हित में, उनके हित में इन मुद्दों को उतारा जाएगा, ताकि लोग जो है वो कहीं भी किसी भी चीज से प्रताड़ित ना हो। तो ये बड़ी खबर, फिलहाल तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, क्योंकि वहां पर लगातार जो नेता है वो पहुंच रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। फिलहाल ये कुछ जो फिलहाल अभी जो बैठक होनी है उसको लेकर वहां पर जो नेता है वो लगातार पहुंच रहे हैं। वहां पर थोड़ी देर में बैठक भी शुरू होगी, जिसमें तमाम जो बड़े दल हैं, विपक्षी दल हों या फिर पक्ष वाले दल हों, वो भी वहां पर पहुंचेंगे, इस बैठक में हिस्सा लेंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं टीएमसी द्वारा इस बैठक का किनारा किया गया है। उनका कहना है कि हम इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन तमाम जो बड़े नेता हैं, जिसमें सबकी नजरें राहुल गांधी पर होंगी, क्योंकि राहुल गांधी इस बार नेता प्रतिपक्ष का रोल निभा रहे हैं। इस बार उन्होंने संसद के अंदर जब संसद सत्र शुरू हुआ था उसमें भी राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था, सरकार के सामने बड़े बड़े मुद्दे रखे थे। जो वर्तमान में इस समय जो विवादित मुद्दे हैं या जो मुद्दे सुर्खियों में हैं, उन मुद्दों को उठाकर सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश की थी। तो ये सर्वदलीय जो बैठक आज होनी है, इसमें क्या कुछ चीज़ें होंगी, किस तरह की बातचीत होगी, क्या मुद्दे उठेंगे, क्या विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से कोई बड़े मुद्दे सरकार के सामने रखे जाएंगे, उस पर विचार विमर्श होगा और आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो भी देखना होगा। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह सहित कई नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी है। कल से बजट सत्र भी शुरू होना है, उसको लेकर ये बैठक अभी फिलहाल शुरू हो चुकी है और कब तक ये बैठक चलेगी ये भी थोड़ी देर तक साफ हो जाएगा। लेकिन बजट सत्र जो होना है उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक, सर्वदलीय बैठक, जिसमें सभी दल जो है इस बैठक में पहुंचने वाले हैं, इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। राजनाथ सिंह सहित कई नेता बैठक में पहुंचे हुए हैं, इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। चिराग पासवान भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री जो है वो बजट को पेश करने वाली हैं। उससे पहले देखिए तस्वीरें, चिराग पासवान जो इस सरकार में हिस्सा हैं, मंत्री हैं, वो भी वहां पर पहुंचे और भी बाकी जो सहयोगी दल हैं वो भी वहां पर पहुंचे और अभी फिलहाल बैठक भी शुरू हो चुकी है। रहे हैं क्योंकि आज की जो बैठक है वो बजट सत्र से पहले है और बजट सत्र कल से शुरू होगा। इस बजट सत्र के दौरान क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि बजट प्रारूप होता है पूरे साल के लिए, इस बजट में क्या रखा जाएगा, इससे हो सकता है इससे जुड़े भी कुछ मुद्दे होंगे। उज्जवल कुमार हमें जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। उज्जवल, बजट सत्र से पहले यह बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वदलीय बैठक है, इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसमें पहुंचेंगे, तो क्या लगता है किस तरह की बैठक आज रहने वाली है, इसमें क्या कुछ खास जो है वो निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा? बिल्कुल ठीक शीतल, देखिए अगर आप देखेंगे तो 22 जुलाई से संसद का जो बजट सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और संसद जो सत्र है उससे ठीक एक दिन पहले रविवार यानी आज के दिन जो है वो सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। देखिए जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनकी तरफ से ही दोनों सदनों के जो लोकसभा और साथ ही जो है राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के जो फ्लोर लीडर हैं उनको जो है सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है और ये जो समय रखा गया था वो तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय जो है वो दिया गया था और अब तमाम जितने भी विपक्षी दल के नेता हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के नेता हों, उन्होंने जो पहुंचना है वो आना शुरू जो है कर दिया है और देखिए संजय सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं।
चलिए बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं केदारनाथ, जहां पर सुबह सुबह एक हादसा पेश आया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है, ये बेहद दुखद खबर आ रही है। पहाड़ी से चट्टान गिरने से ये हादसा हुआ है और चट्टानों की चपेट में आकर 3 यात्रियों की मौत हुई है। तो केदारनाथ जो यात्रा चल रही है, गौरीकुंड के पास पत्थर गिरने से ये हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सीएम धामी ने इस पर दुख जताया है और कहीं ना कहीं एक संवेदना प्रकट की है इन सभी लोगों के लिए जो वहां पर जिनकी मृत्यु हुई है, यानी जो 3 लोग वहां पर इस हादसे की चपेट में आए हैं और 2 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए वहां पर नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो फिलहाल पुष्कर सिंह धामी का एक ट्वीट आया है, एक्सपोस्ट उन्होंने किया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। इस संबंध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हादसे में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ये पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है। एक्स के जरिए उन्होंने ये पोस्ट सामने रखा है और इन सभी मृतकों के लिए वहां पर संवेदना प्रकट की है। ये केदारनाथ का मामला जहां पर यात्री जो है वो पैदल मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन अचानक वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, पत्थर गिरे, चट्टान गिरी और इस चट्टान के गिरने से 3 लोगों की मौत हुई और इसमें 2 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ये एक तस्वीर जो आ रही है, ये आपकी टी स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये उसी मार्ग की तस्वीर है। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मैं धनराज का रुख करना चाहूंगा। धनराज, किस तरह से ये हादसा हुआ और अभी तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी शीतल, बिल्कुल, देखिए एक बड़ा दुख का हादसा ये उत्तराखंड के अंदर घटा है कि केदारनाथ मार्ग पर जो पैदल मार्ग है उस पर जो चट्टाने हैं वो गिर गई और जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग अभी घायल हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। हालांकि देखा जाए जो प्रशासन की टीम है वहां पर लगातार कार्य कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से चट्टाने ऊपर से आई है तो उसको देखते हुए कहने के सावधानी बरतना अति आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे होना संभावित है। और आप देखिएगा कि इस हादसे पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद दुख व्यक्त किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो लोग हताहत हुए हैं उसकी आत्मिक शांति के लिए वो प्रार्थना करते हैं और उसके साथ ही जो उनके परिवारजन है उनको इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की प्रार्थना भी कहीं ना कहीं भगवान से करते हैं। और आप देखिएगा कि जो उपचार जिनका चल रहा है उनके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि उनको अच्छा से अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जा सके और किसी भी तरह की कोई दिक्कत उनको ना हो, उनके परिवारजनों को ना हो, उसके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं। और आप देखिएगा कि इस तरह के हादसे लगातार से तरह आप देखते होंगे कि उत्तराखंड के जो चारधाम यात्रा है उसके दौरान कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी आपने देखा कि कई लोगों की मौत ऐसे हादसों में होती हुई नजर आई थी और अब ये बड़ा हादसा केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुआ है और इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। धनराज, हमेशा इस पर बातचीत होती है कि उत्तराखंड के अंदर जब भी बारिश होती है तो वहां पर प्राकृतिक आपदा होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में केदारनाथ यात्रा जो चल रही थी, क्योंकि बारिश वहां पर लगातार पिछले कई दिनों से हो रही थी, क्या कोई खास दिशा निर्देश नहीं थे क्या? आप अगर इस मार्ग से जाते हैं वहां पर कोई खतरा हो सकता है, कोई चट्टाने नीचे आ सकती है, ज्यादा बारिश पड़ी है तो जाहिर सी बात है खतरा तो होगा, यात्रियों को रोका जा सकता था? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था तो इसको देखते हुए सरकार ने निर्देश सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जरूर दिए थे, लेकिन यात्रा लगातार जारी थी और यात्रा के चलते कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अभी जो बारिश है वो रुकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो चट्टाने हैं वो टूटकर सड़क पर आ गए और जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। और आप देखिएगा कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, जो आपदा है वो आनी होती है तो वो होनी होती है, लेकिन इसको कम जरूर किया जा सकता है और उसके लिए लगातार जो प्रशासन है या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सभी अधिकारियों की बैठक लेते हुए भी नजर आते हैं, उनको निर्देश भी देते हैं कि ऐसे समय पर जो टाइम रिस्पॉन्स है वो कम से कम लगे और तुरंत रेस्क्यू अभियान चला जाए। और वो देखने में भी आता है कि तमाम जो इस तरह की जगह है उनको चिन्हित किया जाता है जहाँ पर बोल्डर आने के संभावना बनी रहती है या फिर भूस्खलन की। जी ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अपडेट देने के लिए, क्योंकि केदारनाथ से एक दुखद मामला सुबह सुबह सामने आया था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं।